दीपान, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिंपल गर्ल लाइफ के ब्लॉग में। तो आज मैं आप सब के लिए लाई हूँ बैंगन का भरता। सब ने कब किसी ने मिक्सी में, किसी ने सिलबट्टे पर मैं आज आपको बिल्कुल नए तरीके से बैंगन का भरता बनना सिखाऊंगी, वो भी चॉपर में। तो चलिए फिर मैं दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं चॉपर में और मैं कैसे बनाती हूँ बैंगन का भरता। और ये बैंगन का भरता इतना यम्मी और स्वादिष्ट बनेगा कि आप भी खाओगे ना तो आप भी कहोगे ना हाँ क्या बैंगन का भरता बनाया। बहुत आपने बहुत से तरीकों से भी बनाया होगा, बहुत से तरीके से देखे होंगे। तो मैं आपके लिए एक नया और बिल्कुल नया तरीका लेकर आई हूँ। तो चलिए आप भी देखिए बैंगन का भरता कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ फिर। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक बैंगन लिया था, उस पर तेल लगाया था बैंगन के ऊपर। आप चाहें तो कौन सा भी तेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ सरसों के तेल का इस्तेमाल किया था और बैंगन के ऊपर अच्छी तरह से उसको कोट करने के बाद मैंने यहाँ बैंगन भुनने के लिए रख दिया जो आप देख रहे हैं। जब एक तरफ से भुन जाएगा तो मैं इसको दूसरी तरफ से भून लूँगी। जब तक यह चारों तरफ से अच्छी तरह भुन नहीं जाएगा जब तक मैं गैस बंद नहीं करूँगी ना इसको निकालूँगी। तो चलिए फिर भून लेते हैं, मतलब मैं भूनने के बाद मिलूंगी आपको बैंगन का भरता। अब मैंने बैंगन को खड़ा करके रख दिया है क्योंकि ये अब चारों तरफ से तो अच्छी तरह से गया है, बस नीचे की तरफ भी इसको सेकना ज़रूरी है। तो मैंने इसको ऐसे रख दिया है। तो अब बस इसको सेकने के बाद मैं इसको ठंडे पानी में डालूंगी। बैगन मेरा भुन चुका है तो ये देखिए मैंने इसको ठंडे पानी में डाल दिया है थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसका छिलका निकालना स्टार्ट करूंगी और फिर मैं इसका भरता बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैंगन थोड़ा ठंडा हो गया है तो मैं बैंगन का छिलका निकाल रही हूँ। मैं बैंगन का छिलका बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल दूँगी और जब मैंने इस पर तेल लगाया था तो ये इसका छिलका बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा और बिल्कुल आसानी से इसका छिलका निकल रहा है। तो वो आप देख ही सकते हैं। तो मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, मतलब इसका छिलका निकाल लूँगी जब मैं इसका बैंगन का भरता बनाऊँगी। और तेल आप कौन मतलब अपने हिसाब से कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड, सरसों, जो आपको ठीक लगे। तो मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ किया है, आप अपने अकॉर्डिंग तेल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आप देख ही रहे हैं कि बैंगन बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है, एक एक अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। चलिए फिर बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने भरते की तैयारी कर ली है और ये देखिए मैंने इसमें डालूंगी हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन, थोड़ा सा अदरक लिया है मैंने और थोड़ा सा नमक लिया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं, मैं जितना मुझे लगेगा मैंने उतना लिया है, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। और ये रखा है मेरा भरता जो मैंने धोकर और भूनकर और छीलकर आपके सामने रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं भरता बनाना। तो मैं इसमें चॉपर में डाल दूंगी पहले भरते को। फिर मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी
फिर मैं इसमें हरी मिर्च मतलब जो मैंने सब काट के रखा है वो सब इसमें ऐड कर दूंगी और इसको फिर चलाऊंगी। तो फिर आप देखेंगे कि इसमें चलाने के बाद बैगन का भरता कितना टेस्टी और यम्मी बनता है, वो जब आप बनाएंगे जब आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ और फिर आप देखिए। और इधर मेरे बच्चे मुझे वीडियो शूट नहीं करने दे रहे हैं तो प्लीज मुझ सॉरी। चलो तो मैंने इसमें सब ऐड कर दिया है तो अब मैं इसको चलाकर दिखाऊंगी। मैं इसको खोल कर देखूंगी और थोड़ा इधर उधर जो चिपक गया है उसको उसमें और अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और फिर देखिए आप बैगन का भरता कैसा बनता है। ये देखिए तो मेरे बैगन का भरता तैयार हो गया है। आप भी देखिए कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है जब आप इसको खाएंगे तो जब आपको और पता चलेगा कि कितना टेस्टी बना है। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ, आप भी खा लीजिए बनाकर। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। तो मेरे बैगन का छिलका उतर चुका है, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। और मैंने प्लेट यहाँ निकाल ली है तो मैं इसका बस ऊपर की जो गांठ है वो अलग कर रही हूँ तोड़ के, क्योंकि बाकी का तो पूरा अच्छी तरह से बन चुका है, बस वही रह गई है तो मैं उसको अलग कर रही हूँ। ये देखिए वो बर्तन कितना अच्छी तरह से भुना है, वो तो आप देख ही सकते हैं कलर टेक्सचर कि कैसा है। तो बस ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पास से कि ये कैसा टेक्सचर दिख रहा है, इसका मतलब कैसा भुना है, बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है।